Good morning, LGTB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next chapter, Samajik Nyay. कि सामाजिक न्याय क्या होता है. अब देखो इसमें बेटे बुक में दे रखा है, प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है. फिर भी हम क्या अपनी अंतर्दृष्टि से ऐसे समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है. उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी सहजानुभूति समझ ही क्या होती है, न्याय होती है. हालांकि हो सकता कि हम इसकी ठीक ठाक परिभाषा नहीं दे सके, पर इस मायने में न्याय बहुत हद तक प्रेम जैसा ही है. अब बेटे देखो सामाजिक न्याय, अब हमने पूछा कि जो न्याय है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्याय क्या होता है. अब देखो फर्स्ट इसमें है, न्याय क्या होता है. न्याय तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से क्या जूझना पड़ा है, भले ही उन्होंने अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की हो. उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना. अब बेटे देखो कि इसमें न्याय क्या है. अब न्याय क्या है बेटे, कि हमें क्या है न्याय का अस्तित्व के बारे में, न्याय होता क्या है. कि न्याय को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेटे जस्टिस कहते हैं, और जस्टिस शब्द है वो लैटिन भाषा के यश से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना, बॉन्ड ऑफ टाई. इसका अभिप्राय है कि न्याय क्या है, उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है. कि न्याय की भाषा का इस भाव से संबंध है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी संबंध क्या है. कि आधुनिक जो न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ क्या सामाजिक जीवन की क्या उस व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तिक अधिकारों का सामाजिक कल्याण के साथ क्या समन्वय स्थापित किया जाता है. अब बेटे जो न्याय की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, तो अलग अलग जो इनके मतलब राइटर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है. जैसे प्लेटो ने कहा था कि न्याय क्या वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य क्या सामंजस्य स्थापित करता है. और जो सालमेंट है उन्होंने कहा था कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को क्या उसका भाग प्रदान करना. इस प्रकार से ये अलग अलग राइटर हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया कि न्याय होता क्या है. अब बेटे देखो न्याय, अब सबसे पहले कि न्याय की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, न्याय के तत्व कौन कौन से होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से तत्वों को लिया जाता है न्याय में. फर्स्ट होता है इसमें ट्रूथ, सत्य. सत्य क्या है, न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व है. सत्य का अर्थ है घटना का ज्यों का त्यों क्या प्रस्तुत करना, कि जैसे जो चीज सामने है एज इट इज हमें क्या है वो दूसरों के सामने वो प्रस्तुत करनी होती है. नेक्स्ट है बड़ी मूल्यों के आधारभूत कर्म की सामान्यता, मतलब जनरलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ वैल्यू. कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक मामले में न्याय की धारणा लागू की जानी चाहिए, अलग अलग मामलों में न्याय की विभिन्न धारणाओं को लागू करना उचित नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट्स में आता है बेटे आपके कि कानून के समक्ष समानता. अब देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष क्या होना चाहिए, सभी नागरिक समान होने चाहिए. नागरिकों के साथ क्या धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी नागरिकों को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए. नेक्स्ट बेटे इसमें आएगा आपका न्याय में आएगा फ्रीडम, कि फ्रीडम क्या होती है, स्वतंत्रता. अगर न्याय और स्वतंत्रता में क्या घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जो उदारवादी लोगों ने कहा था कि स्वच्छंद वातावरण में क्या है मनुष्य क्या न्याय प्राप्त कर सकता है. कि अगर मनुष्य को साफ सुथरा वातावरण मिलेगा तो नेचुरली वो न्याय को प्राप्त कर सकता है. नेक्स्ट ब्रिटिश में आएगा प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान, भी जो कार्य व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर है, जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असंभव है, क्या उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय की भावना के विरुद्ध है. कि जो काम उसके मतलब अगेंस्ट है तो उसको हम करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते. एग्जाम्पल है बेटे किसी बीमार या बूढ़ी व्यक्ति से क्या भारी शारीरिक काम लेना, कि कोई व्यक्ति बीमार हो उसको हम ऐसा हैवी काम दे दें कि वो चीज़ कहती वो गलत है, वो क्या न्याय के खिलाफ होएगी. तो ये थी बेटे आपको जो मैंने न्याय के तत्व बताए कि न्याय के तत्व कौन कौन से होते हैं. बेटे अब इसी न्याय में हम टाइप्स पढ़ लेंगे कि इसके जो टाइप्स कौन कौन से हैं. अब इसमें बेटे फर्स्ट आपका आता है इसमें सामाजिक न्याय, कि सामाजिक न्याय क्या होता है. अब तो सामाजिक न्याय का सभी को पता है कि सामाजिक न्याय में क्या होता है, कि
इसमें समाज में रहने वाले जो सभी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, और मनुष्यों के जो सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, उनके साथ जाति, रंग, रूप, लिंग के आधार पर क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसने क्या कि जो हमारे लॉस की है उसने भी ये बात बोली थी, सामाजिक न्याय का अर्थ है जो सम्मान है सामाजिक अधिकारों का क्या अस्तित्व है। नेक्स्ट ब्रिटिश में आता है कानूनी न्याय, जो कानून न्याय, अब उसमें जो सेकंड आपका जो कानून न्याय है जिसको हम बोल देते हैं कि न्याय के कानूनी पक्ष का अर्थ है कि न्याय कानून के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार ही क्या है, अगर न्याय होगा तो वो न्याय क्या बहुत सही होएगा, उसमें किसी प्रकार का मतलब इस चीज़ माइंड में नहीं रहेगा कि ये जो न्याय सही नहीं हुआ, अगर कानून के अनुसार होगा तो हर कोई व्यक्ति उसको क्या फॉलो करेगा। तो इसलिए हमें क्या है कि जो कानून को न्यायपूर्ण तरीके से हमें क्या लागू करना चाहिए। नेक्स्ट ब्रिटिश में आपका आता है जैसे हमारा है राजनीतिक न्याय, अब राजनीतिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, किसमें हमारी एक लोकतंत्रीय प्रणाली होती है, एक हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं, तो हमें क्या है राजनीतिक न्याय में इन दोनों साधनों को लेकर चलना होता है, लोकतंत्रिक प्रणाली को और हमारी राजनीतिक अधिकार जो अधिकार होते हैं। नेक्स्ट बेटी आपका होता है हमारा आर्थिक न्याय क्या होता है, अब आर्थिक न्याय का मीनिंग होता है कि जैसे मान लो कि हमारी जो हमारी आर्थिक कंडीशन है, जैसे देश की भौतिक साधनों का मान लो बंटवारा हो और अधिक से अधिक लोगों के हित में उनका उपयोग हो सके, मतलब जो भी हमारे देश की साधन है उनका सभी के लोगों के हित में क्या बंटवारा होना चाहिए, नागरिकों को धन प्राप्त करने या जीवन में उसका उपयोग करने के क्या समान अवसर प्रदान होने चाहिए, कि जो व्यक्ति बूढ़े हो चुके हों काम न कर सकते हो समाज को क्या उनकी क्या आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तो ये था बेटी आपका जो है आर्थिक न्याय। तो उसके बाद हमारा बेटी इसमें है कि हमने सामाजिक न्याय पढ़ लिया है, राजनीतिक न्याय पढ़ा, आर्थिक न्याय व कानून न्याय कर रहा है, ये इसके कुछ टाइप्स थे बेटे। आज हम इतना ही करेंगे, थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।